नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल विशाल शर्मा में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय मंत्र लेकर आया हूं जिसके द्वारा आप आज घर बैठे किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं किसी को अपने वश में करना, किसी से अपनी बातें मनवाना, तो फिर आज की हमारी वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि हमारी आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं सचमुच किसी को अपने वश में कर उससे भी बातें मनवाना, और आप किसी पति पत्नी, दुश्मन, प्यार, किसी की शादी तोड़वाना या फिर किया किराया दूर करना चाहते हैं और किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, तो हमारी आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्व रखती है, क्योंकि जो आज हम उपाय मंत्र लेकर आए हैं उसके द्वारा पहले भी नहीं जाने कितने लोगों ने इसका इस्तेमाल कर अपने कामों में सफलता पाई है। आप भी इस काम में सफलता पा सकते हैं अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लें। आपको करना सिर्फ इतना है, जो भी आज आपको उपाय बताए जाएंगे सिर्फ उसका इस्तेमाल कर आपको मंत्र का इस्तेमाल करना है। सिर्फ छोटे से उपाय और आपके घर में खुशियां ला देगा। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं बताना ये चाहूंगा कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल विशाल शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक को आगे लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वशीकरण होता क्या है। वशीकरण करने के लिए आपको कुछ उपाय मंत्र का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी सहायता से आप किसी को भी इंसान को या महिला पुरुष को, किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। वह पूरी तरह वशीभूत हो जाती है और आपके कहे पर ही चलती है या चलता है। कई लोगों का ये मानना होता है कि टोटके उपाय वशीकरण करने का साइड इफेक्ट होता है। दोस्तों, साइड इफेक्ट इसका होता है, हम ये नहीं कहते इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप बिना ज्ञान के साथ इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको साइड इफेक्ट जरूर पाएंगे। अगर आप आज हमारी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और पूरा ज्ञान लेकर टोटकों को फिर आजमाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही कोई साइड इफेक्ट होगा। तो फिर इसके लिए आज मैं जो उपाय बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद ही उसका प्रयोग करें आप। अगर आप आज किसी प्यार को अपने वश में करना चाहते हैं, आप अपने प्यार को अपनी बातों से मना मना के थक चुके हैं, आपको कोई चारा नहीं बचा है, आप थक के घर बैठ गए हैं, आपको लगता है कि अब शायद कोई और मौका नहीं है, ना ही कोई चारा है, ना ही कोई तरीका है ऐसा कि जिससे वह उसका प्यार वापिस मिल जाए, उसका वशीकरण हो जाए या फिर उसकी शादी टूट जाए, तो फिर ऐसा संभव है अगर आपको सही ज्ञान हो। सही ज्ञान के लिए आपको हमारी वीडियो को देखना होगा, क्योंकि दोस्तों, अगर आपने आज के हमारे उपाय मंत्र जान लिए तो फिर आज आप चाहे कोई भी हो उसका वशीकरण कर सकते हैं, चाहे आपका प्यार हो या फिर कोई पति पत्नी या किसी की शादी हो। निराश ना हो, आप सबके लिए घर बैठे वशीकरण करने का तरीका लेकर आया हूं। चाहे कोई आपका दुश्मन हो, आपका प्यार, आपका दुश्मन आपके वश में होकर ही रहेगा अगर आपने सही तरीका जान लिया। प्रियजनों, जिन लोगों ने भी पहले इन उपाय मंत्रों का इस्तेमाल किया है, आज वे अपना जीवन खुशहाल व्यतीत कर रहे हैं। उनके लगातार हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज आते रहते हैं कि आपके वजह से हमारी जिंदगी बच गई, किसी का घर उजड़ने से बच गया तो किसी का प्यार उसे मिल गया। आपके साथ अगर कुछ ऐसा बीत रहा है, आप भी परेशान हैं लगातार, आप किसी से भी, चाहे आपकी पति हो, पत्नी हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, दुश्मन हो या फिर किसी की शादी होने जा रही है, वो आपका प्यार है और आप नहीं चाहते उसके ये सब होता देख सकें, तो फिर निराश ना हो। आज मैं जो उपाय लेकर आया हूं उनको इस्तेमाल में जरूर लाइएगा।
मैं आपका ज्यादा समय ना लेता हूँ, आपको बताना चाहूंगा वे कौन से उपाय हैं जिनके द्वारा आज आप भी किसी को भी घर बैठे वशीकरण कर सकते हैं, वशीभूत कर सकते हैं। आज हमारे वशीकरण स्पेशलिस्ट विशाल शर्मा में आपको सही विधि बताई जाएगी, सही ज्ञान दिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं उपाय मंत्र। घर बैठे किसी का भी वशीकरण करने के लिए आपको दिन शनिवार का रखना होगा। तो आपने अपने घर पर दो नींबू लेने हैं। नींबू लेकर आपने जिस किसी का वशीकरण करना है, चाहे कोई भी हो, आप जिसको अपने वश में करना चाहते हैं, उस पर एक नींबू पर उसका नाम और दूसरे पर अपना नाम लिख लें, और साथ में एक काला कपड़ा भी ले लें। छोटा सा काला कपड़ा चल जाएगा जिसमें वो दोनों नींबू रखे जा सके। आपने उसके साथ कुछ सिंदूर, कुछ हल्दी और तीन लौंग, तीन इलायचियां उस लाल काले कपड़े पर रखनी है, और साथ में एक कागज लेना है। कागज पर जिसका वशीकरण करना है उसका नाम 11 बार लिखें, और उसके साथ अगर उसकी शादी तुड़वानी है तो ये स्पेशल है, शादी तुड़वाने को लेकर उसमें शादी तोड़ना 3 बार लिखें। अब आपने एक मंत्र का भी जाप करना है। मंत्र मैं वीडियो में दिया है, आप वीडियो से हमारे मंत्र को जान सकते हैं, वे मंत्र पढ़ सकते हैं, और उसका जाप भी आपने 151 बार करना है। उस काले कपड़े को और नींबू को अपने हाथ में लेकर। तो दोस्तों, परेशान ना हो, इस विधि को आप करें, सही ज्ञान के साथ करें। तो ध्यान से सुनिएगा, जो भी जाप करेंगे आंखें बंद कर बिना रुके 151 बार करना है, और उसके बाद वो काला कपड़ा और सभी सामान उसमें बांधकर 7 बार गांठ लगाकर किसी भी पीपल के पेड़ पर या फिर चलते पानी में बहाएं। ये घर बैठा वशीकरण तरीका आपको एक प्यार, आपके घर में खुशहाली, वो दुख जो आपको तंग किए हुए हैं, ये सब बाहर, खुशियां आपके घर के अंदर होंगी। निराश ना हो, ये उपायों को करके देखिएगा। अगर टोटका करते या वीडियो में कहीं पर कुछ समझ ना आए तो आप हमारे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया और वीडियो भी स्लाइड में अपना नंबर दिया है, आप उससे कॉल कर सकते हैं। अगर आप कुछ और टॉपिक, उपाय, मंत्र जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अन्य वीडियो के लिंक दे रहा हूं, वहां से कुछ और उपाय मंत्र भी जान सकते हैं। तो प्रियजनों, परेशान ना हो, अगर आपको कहीं पर कोई गड़बड़ लगती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको वीडियो में कहीं पर कुछ समझ ना आया हो, ज्ञान प्राप्त ना हुआ हो तो आप हमें कॉल करें। मैं आशा करता हूं जो भी आज मैंने विधि आपको बताई है, अगर सही तरीके से इसको अपने प्रयोग में लाएंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। यह कहते हुए मैं इजाजत चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें।